दोस्तों एडास की बात करूं तो आज के टाइम में जो है हर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये एक सेलिंग पॉइंट हो गया कोई ना कोई ओ आपको किसी ना किसी तरीके का एडास एड़ा, लेवल जो है आपको ऑफर कर रहा है ताकि आप जो है और उस प्रोडक्ट प्रोडक्ट को और लुक्रेटिव बना सकें डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ स्पेक्स की अगर मैं बात करूँ इंजन के अंदर अगर आप मॉ चेंज की बात करें ये सब चीज़ें जो हैं अब स्टैंडेंट हो गई हैं अब जो बात आती है या कार को जो अब डिफरेंट बनाता है वो उसकी फीचर्स बनाते हैं स्पेशली अगर फीचर्स की बात करूँ तो आने वाला टाइम जो है एडास्का है एडास्क के अंदर जो है हमारे अलग अलग लेवल्स होते हैं अगर बेसिक्स की अगर मैं बात करूँ तो लेवल जीरो से शुरू होता है लेवल जीरो से शुरू होने के बाद वो जो है लेवल फाइव तक जाता है अभी जो इंडिया के अंदर आपको जो मैक्सिमम जो मिल रहा है अभी तक वो आपको लेवल थ्री या लेवल टू तक मिलता है इसके बारे में कौन से लेवल में कौन से फीचर्स आते हैं किस तरीके से लेवल डिसाइड होता है वो एक बहुत डिटेल्ड है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अगर वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन ऊपर क्लिक कर सकते हैं और वहां से वो वीडियो देख सकते हैं मिलेंगे यहाँ पे जो है, मैंने दस ऐसे फीचर्स इकट्ठे किए हैं लास्ट के जो दो हैं वो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा फूडी है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें आपको समझ में आएगा कौन से फीचर्स जो है और कितने हेल्पफुल रहने वाले हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से इंडियन मार्केट को देखते हुए बनाई गई है सबसे पहला फीचर है हमारा जो इंडियन मार्केट को

हिसाब से जो है आपको बताएगा कि आने वाला जो रोड है वो या तो कर्व रहेगा या उसके अंदर कोई गड्ढा है अगर बात करी जाए ऐसे सीनैरियो के बारे में तो मान लीजिए आपके शहर में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है अगर आप उस रास्ते से डेली आते जाते हैं लेकिन तब भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे कितना बड़ा बंपर है कब आएगा वो बंपर या आगे कोई बड़ा गड्ढा है इसके वजह से जो है आपके व्हीकल के सस्पेंशन टायर व्हील्स इन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है और ये बहुत जल्दी खराब होते हैं तो इसको बचाने के लिए जो है क्या होगा ये सिस्टम आपको हेल्प करेगा कि पहले ही आपको अलर्ट कर देगा कि आपकी व्हीकल के लिए वो जोन सेफ है या नहीं है

पसंद है व्हीकल के अंदर उस हिसाब से आपका एयर कंडीशनिंग सीट हाइट एडजस्टमेंट एंड अगर, अगर चाबी भी है, तो, बार क्या होता है, कि आपकी होती है उसको आपके फ्रेंड्स वगैरह मांग लेते हैं जो आपको व्हीकल शेयर करना पसंद नहीं है क्या होता है कि आप उनको चाबी दे सकते हैं बट वो व्हीकल तभी शुरू होगी जब वो आपका फेस रिकोगनाइज करेगी और आपके को वो कोई करेगी दोनों में से कोई भी एक फीचर को जो है हम लेते हुए आपकी व्हीकल तभी शुरू होगी आपकी सारी चीजें तभी एडजस्ट होंगी तभी आपकी व्हीकल स्टार्ट होगा तो मुझे लगता है ये एक सेफ्टी परस्पेक्टिव व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है व्हीकल के लिए फिफ्थ फीचर है आपका प्रडिक्टिव ट्रैफिक लाइटिंग सिस्टम मान लीजिए आप किसी ऐसी रोड से जाते हैं जहां आपका डेली कम्यूट में आ जो है आपको मल्टीपल लाइट्स मिलती हैं आप चाहते हैं कि आपकी व्हीकल को आप उस तरीके से ऑप्टिमाइज करें या स्पीड उसकी उस तरीके से रहे कि आपको जब भी आप लाइट के पास पहुंचे तो ग्रीन मिले ये सब जो है हमारा भी बेसिकली क्या होता है ह्यूमन इंस्टिंक्ट रहती है कि हम फोर्टी की स्पीड पे चलाएं या फिफ्टी की स्पीड पे चलाएं रिकोगनाइज करते हुए कि आपको आने वाले जो लाइटें हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रीन मिले और आपकी गाड़ी एक स्मूथ लाइन में चलती रहे ये जो है हमारा वी टू वी जो व्हीकल टू व्हीकल कॉम्युनिकेशन है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने

देखने को मिलेगी देन अगेन नेक्स्ट तो इस तरीके से जो है आपको एक कंफर्ट ड्राइव मिलेगी और एक नॉन कंजस्टेड ड्राइव मिलेगी और जो ट्रैफिक जो है उसको आप अवॉइड कर पाएंगे और आपकी जो ड्राइविंग ड्राइविंग है है वो एक है, वो एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ होगा मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो बेसिकली इंडियन व्हीकल्स के अंदर सबसे सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है जब आप चलते हैं तो कहीं पर तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक लाइट्स देखने को मिलते हैं कहीं पे आपको ट्रैफिक लाइट्स देखने को नहीं मिलते जिसकी वजह से दोनों जगह पे जो है ट्रैफिक कंजेशन होते हैं ज्यादा लाइट होती है वहां पर भी ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है जहां लाइट नहीं होती वहां पर भी ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है तो ये फीचर आपको हेल्प करेगा आपकी व्हीकल की ड्राइविंग कंफर्ट को एनहांस करने में और आपके जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और स्मूथ करने में सिक्स फीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है स्पेशली हमारे यंगर लोगों के लिए वो ये है हमारा स्मार्ट टेंट ग्लासेस जो है, बेसिकली क्या करेंगे? आपके सूरज की किरणों को आ, के हिसाब से अपने टेंट लेवल को एनहस करते चले जाएंगे या रिड्यूस करते चले जाएंगे इंडियन पीनल कोड के हिसाब से या इंडियन लॉ के हिसाब से जो है आपकी व्हीकल के अंदर ट्वेंटी टेंट अलाउड है बट अगर आप उसको आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो वो आपको ये चलान हो सकता है सिर्फ ट ग्लासेस जो है आपके जो ओई एम फिटेड आते हैं वो ही अलाउड रहते हैं उसके अलावा आप आफ्टर मार्केट कुछ भी टेंट कराते हैं अपनी व्हीकल के ऊपर तो आपके ऊपर चलान हो सकता है तो ओई एम अपनी तरफ से अगर स्मार्ट टेंट दे दें कि मान लीजिए कि आपके व्हीकल के अंदर बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है तो उसकी जो टेंट की कैपेसिटी है वो थोड़ा और बढ़ जाए ताकि आपके ऊपर जो है धूप कम आए इन्हीं सब की वजह से जो है बेसिकली इन सब लॉस की वजह से जो है ये फीचर्स डेवलप किए जाते हैं कम्फर्ट लेवल भी बना रहे फीचर्स भी हम एड ऑन करते चले जाए और साथ ही साथ हमारी सेफ्टी भी बनी रहे तो इन तीनों का जो है मुझे लगता है एक बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन

ट में क्योंकि हम गाड़ी तो खरीद लेते हैं बट कब उसको सर्विस कराना है कैसे उसकी लाइफ को लॉन्ग करना है इस चीज पे हम ध्यान नहीं देते तो अगर हमें इन सिस्टम मिल जाए कि हमें कब सर्विस करानी है कौन कौन से पार्ट करानी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडियन मार्केट के लिए एंड बहुत हेल्पफुल रहेगा इंडियन मार्केट के लिए जहाँ पे पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा है और आपने आजकल न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा होगा अगर आप सर्ट सिटीज में रहते हैं तो आपकी लाइफ स्पैन शॉर्टर होती चली जा रही है तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए आपके व्हीकल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है नाइन फीचर जो है वो हमारे सारे फूल पूरी पीपल्स के लिए है वो है हमारा ड्राइव थ्रू इंटीग्रेशन मान लीजिए आप किसी मेकडॉनल्ड के चेन पे जा रहे हैं पे ड्राइव थ्रू है अब आप नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो आप पहले मेन्यू स्कैन करें फिर ऑर्डर करें फिर पेमेंट करें फिर आप अपने ऑर्डर को कलेक्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया कि आपके रास्ते पे जो है McDonald's आने वाला है उसका जो पूरा मेन्यू है आपके आपके स्क्रीन पे शो अप हो जाएगा अब वहाँ से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना ऑर्डर वहाँ से जो वो ऑर्डर है बेसिकली आपके ड्राइव थ्रू सेम लोकेशन जो आपका ड्राइव थ्रू आने वाला है उसके जो है कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहाँ से वो ऑर्डर शुरू कर सकता है पेमेंट भी जो है आपके इन्फोटेनमेंट सिस्टम से डायरेक्टली हो जाएगी आपकी स्क्रीन से डायरेक्टली हो जाएगी तो बस आपको क्या करना है आपकी गाड़ी लेके जानी है ऑर्डर पिकअप करना है और आपको ड्राइव थ्रू से निकल जाना है ड्राइव थ्रू का जो इंपॉर्टेंस या ड्राइव थ्रू का जो फीचर है वो तो इससे एनहेंस होगा आपका टाइम कम लगेगा आपका जर्नी का जो टाइम है वो भी सेव होगा तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि ड्राइव थ्रू इंटीग्रेशन जो है इंडियन व्हीकल्स के अंदर स्पेशली आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है ड्राइव थ्रू में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ट्रैफिक खा सात ऑर्डर करने में टाइम डिसीजन लेने में टाइम ये सारी चीजों को जो है हम बहुत

नहीं, सिर्फ आपके फास्ट फूड के लिए बट आपकी व्हीकल के अंदर कोई फूड अगर रखा हुआ है आपने उसको छोड़ दिया तो हीट की वजह से उस पर क्या असर हुआ वो खाने लायक है या नहीं है ये सब चीजें भी जो है आपको इस इंडिकेटर से पता चलेगा जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए क्योंकि तो हम बहुत ज्यादा केयरलेस केयरलेसनेस के कारण जो है अपनी व्हीकल के अंदर चिप्स रख जाते हैं फ्रेश फ्रूट्स रख जाते हैं और बाद में आके उनको हम खाते हैं ताकि जब हम शाम में गाड़ी चलाएं या कभी भी गाड़ी चलाएं तो हमारे पास एक स्टेपल फूड हो खाने के लिए तो ये सब चीजें जो है बेसिकली मॉनिटर करना और ये सब फीचर्स जो है मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स के लिए दसों के दस जो मैंने आपको के अंदर अभी आना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को यहाँ पे जो वीक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड बनाते रहते हैं धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिन शुभ